बैठना है, शरीर की मालिश करनी है, कपड़े खोल के करना है, मतलब हल्का कपड़ा पहना हुआ होना चाहिए, जैसे माता जी भी बैठे हैं धूप में, हल्का कपड़ा पहना हुआ होना चाहिए और मालिश को राउंड राउंड करना है। तेल जो प्रयोग करना है तिल का तेल ही प्रयोग करें, बाकी कोई प्रयोग नहीं करना, बाकी कोई दूसरा तेल या कंपनी का अलग ब्रांड का नहीं होना चाहिए, जो भी तेल हो आपको यही तेल, तिल का तेल घाने वाला जो खाने वाला तेल है वही इस्तेमाल करना है। और घर के अंदर जब भी पैर पेशेंट का पैर दर्द हो, हाथ दर्द हो, तो मालिश करनी है वो कांसे की कटोरी से करनी है, जो कांसे की कटोरी है तेल यहाँ लगाना है हथेलियों पे और पगतलियों पे तेल लगाना है और राउंड सर्कल में घुमाना है, एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज कांसे की कटोरी ही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे माता जी बैठे हैं तो हम उनके हथेलियों पे मालिश करेंगे। इस तरीके से घुमाना है, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज कांसे की कटोरी होनी चाहिए। पगतलियों पे भी ऐसे ही घुमाना है, पादा बेंग बोलते हैं, पैरों पे करते हैं उसको पादा बेंग बोलते हैं, हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के से, प्रेशर नहीं करना है। अब ज़्यादा करोगे तो ये काले कुत्ते के हाथ भी काले हो जाए, कॉटन के कपड़े से साफ करना है, ठीक है, और पैरों के अंदर भी इसी तरीके से मालिश करनी है। और शरीर में जैसे माता जी ने इतने पहन के बैठे हैं तो धूप में इतना पहन के नहीं बैठना है, हल्का होके बैठना है, इतना हो सके पतला होने की धूप अंदर जानी चाहिए। और विटामिन्स की कमी हो रही है आज, जितने भी विटामिन डी की गोलियां खा रहे हैं, अलग अलग मेडिसिन खा रहे हैं, कारण ये है कि वो धूप में नहीं रहते। सूर्य हमारे लिए अति आवश्यक है, सूर्य के अंदर हम हैं तो हम शरीर की ऊर्जाएँ बढ़ती हैं, सूर्य की उपस्थिति होनी चाहिए, सूर्य के अंदर 40 मिनट तक धूप लेना ही लेना है। और तेल, तिल का प्रयोग करना है, तिल का तेल गर्म होता है और कैंसर जैसे रोगों को लड़ने के लिए हमें गर्म तासीर की जो भी औषधियाँ हैं उनका ग्रहण करना है। और ये जो गर्म तासीर का तेल है, तेल, तिल का तेल, इससे सर्व अच्छा कोई तेल नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कांसे की कटोरी होनी चाहिए, नहीं होगा तो हम भेज देंगे आपको। मालिश इस तरीके से करना है, हाथ ऐसे कर लीजिए, पैर लाइए, पैर थोड़ा सा आगे कीजिए, आराम से, हाँ आराम से बैठिए, ठीक है, पैरों के अंदर इस तरीके से ये तेल लगा के, ठीक है, थोड़ा सा तेल लगा, पैर लगाइए आराम से, इस तरीके से मालिश करना है। तो इसमें क्या है, धूप में बैठे बैठे काम हो गया आपके पास कि करना क्या है, नहीं बोले धूप में तो बैठने के लिए बोला है लेकिन काम नहीं बोला करना क्या है, ठीक है, धूप में बैठे बैठे ये जरूर करना है। और अपने आप को मिनट जरूर दे, लगभग 30 मिनट 40 मिनट बैठना है, इस तरीके से दोनों पैरों में घुमाना है, दर्द की लगा बिल्कुल, हाथों पैरों के लिए विशेष है कांसे की कटोरी और बाकी अब हाथों पैरों में ऐसे ही लगाइए, लगा के मालिश नहीं करना है। जब भी जो महानगरों में मैं जाता हूँ तो मालिश का बोलते हैं तो आदमी को बुलाते हैं, बलवान जी को बुलाते हैं, मालिश करवाते हैं, शरीर के अंदर इतनी जान नहीं है कि ज़्यादा प्रेशर झेल पाए, वैसा प्रेशर क्रिएट नहीं करना है, अपने हाथों से स्वयं की मालिश करनी है। वे तिल का तेल इसीलिए है कि शरीर में जा पाए, बाकी कोई तेल लगाएंगे दर्द होगा वापस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगाइए, जैसे आप अगर धूप में बैठते हैं शर्ट खोल के बैठिए, ठीक 15-20 मिनट भी बैठेंगे लेकिन ये ऊर्जा मिलेगी, ठीक है, अब पैक होके दो कंबल ओढ़ के बैठेंगे, धूप यही होनी चाहिए, इसके बाद का समय काम का नहीं, फिर धूप लगेगा वैसा नहीं, सूर्य उदय हो उस समय, ठीक, योग और प्राणायाम अति आवश्यक है, जितना हो सके कपालभाति अनुलोम विलोम करें सामान्य, ठीक है, भाग दौड़ने वाला वैसा कुछ काम नहीं करना है, ठीक है, जिम वगैरह भी कई पेशेंट आते हैं वो भी कहते हैं जिम में जाए, ट्रेनिंग सेंटर कहीं नहीं जाना है, यहाँ बैठिए श्वास लीजिए श्वास छोड़िए, ऑक्सीजन लेवल अच्छा करना है, जितना इंक्रीज होगा ऑक्सीजन लेवल उतना अच्छा। हाथ से माता जी को उधर हाथ में और पैर में ऐसा करने के वो बिल्कुल घुटने में दर्द हो रहा है, तरीका यही रखना है क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, आप घुटनों में हाथ यहाँ में भी लगाइए, ठीक है, घर का कोई भी सदस्य लगाइए, और यहाँ पेन हो रहा है तो सूर्य के सामने ये पाठ करके ही बैठना है, सही बैठना है कि धूप लगे, अब यहाँ पे है जैसे माता जी ने पहन रखा है, जब भी आप अपने घर पे हो ये खुले धूप लगना चाहिए, ठीक है, जब भी पतला जो कॉटन का कपड़ा है लगा सकते हैं, हाँ अपने हाथ से लगाना है, कटोरी सिर्फ पगतलियाँ और हथेलियों के लिए, ठीक है, हाँ रोज मालिश करना है, और धूप के अंदर जब भी मालिश करेंगे मात्र 10 दिन में आपको खुद को लगेगा कि हाँ ये कुछ अच्छा है। ये जो कटोरी वाला मालिश है केरल के अंदर इसको पादा भेंग बोलते हैं, एक बार कटोरी घुमाने का पूरे बंद रूम में कटोरी घुमाने का 1000 रुपये चार्ज करते हैं,
इसका सही उद्देश्य है कि सनलाइट में होना चाहिए। अब आपको एक रूम में पैक करके अच्छी सी लाइटें लगा दी और उसमें पैर में घिसे जा रहे घिसे जा रहे, लाओ जी 4,000 रुपये, वैसा नहीं। एक बार कटोरी परचेज कीजिए आपके पूरे परिवार के लिए, और कटोरी कोई ख़त्म होने वाला नहीं है, तिल का तेल होना चाहिए, घुमाना है बस। तिल का तेल खाने वाला, तिल के अंदर तिल की खुशबू होनी चाहिए, घाने वाला ही होना चाहिए बस, बाकी कोई चिंता नहीं। तिल का तेल है ना? तिल के तेल तो इसके अंदर तिल की खुशबू है, ठीक है, क्योंकि जो है बिल्कुल ओरिजिनल है, घाने वाले के अंदर कोई भी केमिकल नहीं, कोई फिल्टर नहीं, और इसको अच्छे से मालिश करोगे। हाँ, अब तिल का तेल है ना, तिल का तेल नहीं, क्या बोल रहे, वो अपना खाने वाला जो हमारे इधर मिलता है ना मीठा तेल, वही है क्या? नहीं बोला, ये तिल का तेल, तिल तिल बढ़िया खुशबू है, ठीक है। और ये है कि अपने को कपड़े खोल के बैठना भाई, अब जितना हल्का होके बैठोगे धूप लगना चाहिए, अब धूप लेने के लिए बैठ रहे हैं, इतना पैक होकर बैठ रहे हैं, वो नहीं चलेगा। घर पे, हाँ घर पे जरूर, घर पे ही करने का बता दिया, ठीक है।